आज ये ईस्ट विनोद नगर का स्कूल है, यहाँ पे अब इस स्कूल की भी दूसरे स्कूलों की तरह नई बिल्डिंग बननी जा रही है और बहुत शानदार स्कूल बनाया जाएगा। आप लोग इसकी तस्वीरें जरा अपने अपने टीवी चैनल पे दिखा देना कि जब ये स्कूल बनके तैयार होगा वो कैसा दिखाई देगा। बिल्कुल कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरह ये स्कूल दिखाई देगा। सरकारी स्कूल है, इसमें लिफ्ट लगेंगी जैसे दूसरे सरकारी स्कूलों में लग रही हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक जो क्रांति मनीष सिसोदिया जी ने शुरू की थी उनका काम आगे बढ़ता जा रहा है। इन लोगों ने मनीष जी को तो जेल में डाल दिया, लेकिन मनीष जी के काम को किसी हालत में रुकने नहीं दिया जाएगा। मनीष जी के विचारों को कोई नहीं रोक सकता। तो आज यहाँ मैंने देखा बहुत सारी माताएं बहनें आई थी, उनकी मदर्स आई थी बच्चों की, वो बहुत खुश थी कि इतना अच्छा स्कूल बनके तैयार हो रहा है। इस स्कूल में ऑलरेडी 4 फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं, फ्रेंच, जर्मन, जैपनीज और स्पेनिश। दिल्ली में कौन सा ऐसा प्राइवेट स्कूल है, चाहे बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल ले लो, जहाँ पे इस किस्म की पढ़ाई होती है। तो अब बहुत अच्छी पढ़ाई गरीबों के बच्चों को मिल रही है। हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी तो देश आगे तरक्की करेगा। आपने कहा कि अगले साल फरवरी में मनीष सिसोदिया आएंगे स्कूल का उद्घाटन करने, उनके मामले को कानूनी तौर पे भी आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ झूठा केस है, झूठ के पैर नहीं होते। आप थोड़े दिन ऐसे लग सकता है कि झूठ जीत गया, लेकिन अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। सर, राउज एवेन्यू के बगल में बीजेपी ऑफिस के बगल में स्कूल है एमसीडी का, वो ये बड़ा दुखदाई है। एक तरफ हम जो हैं जगह जगह नए नए स्कूल बनाते जा रहे हैं, नए नए स्कूल, और वो स्कूलों को तोड़ के, स्कूल तोड़ के प्लान है ना इन लोगों का, स्कूलों को तोड़ के वहाँ पे बीजेपी के दफ्तर बना रहे हैं। ये तो बड़े दुख की बात है। अगर बीजेपी के दफ्तर को तोड़ के स्कूल बनाए तो शायद इनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि अपना दफ्तर तोड़ के इन्होंने, ये स्कूल तोड़ तोड़ के अपने बीजेपी के दफ्तर बना रहे हैं। ये तो दुख